नमस्कार। भागदौड़ भरी दुनिया में आप रह जाते हैं अपनी खबरों से दूर। आरपी की दौड़ में छिप जाती है आपके काम की खबर। ब्रेकिंग न्यूज में गायब हो जाती है मुद्दे की खबर। बात देश की राजनीति की हो या बढ़ते अपराध की, हम आप तक पहुंचाएंगे हर खबर, क्योंकि हर खबर से जुड़ा है आपका सरोकार। इसलिए देखते रहिए यूनिवर्सल न्यूज। सोनभद्र में पुलिस की टीम ने 10 मुकदमों में वांछित चल रहे शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। बदमाश के पास से पुलिस ने एक स्कॉर्पियो, एक बुलेरो और 30 किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि इस गिरोह के 3 बदमाश फरार हैं। ये छत्तीसगढ़, एमपी और यूपी से गाड़ियां चुराते हैं और गांजे की तस्करी भी करते हैं। सोनभद्र पुलिस ने रॉबर्टगंज के कोतवाली के संजोय गाँव से एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। यह गिरोह पड़ोसी प्रदेशों से गाड़ियां चुराते थे और गांजा तस्करी का भी काम करते थे। दोपहर के बाद ये सूचना मिली कि इस तरह के कुछ लोग आने वाले हैं, तो सज्जौर के पास चेकिंग लगाई गई थी। वहां दो गाड़ियां आ रही थी, उसमें से रोका गया, तो एक गाड़ी से लोग उतर करके भाग गए और जिस गाड़ी से एक आदमी मकरध्वज नाम का पकड़ा गया, इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, 10 मुकदमे इसके पास हैं। 30 किलो गांजा है और दो गाड़ियां, एक स्कॉर्पियो और एक महिंद्रा।